हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेणुका और आप देख रहे हैं फूड एंड फूड। और आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं कढ़ाई पनीर। दोस्तों कढ़ाई पनीर में जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो ये हैं। ये है मस्टर्ड ऑयल, ये है गरम मसाले, ये है लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, हल्दी पाउडर और ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यह है मलाई, यह है दो प्याज जो मैंने काट लिए हैं, यह है टमाटर, यह है जिंजर गार्लिक और तीन हरी मिर्च मैंने काट ली हैं, यह है टमाटो सॉस, घी, यह है शिमला मिर्च और प्याज। यह अलग से बाद में मैं कढ़ाई पनीर में डालूंगी। यह है 400 ग्राम पनीर। दोस्तों कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल एक बड़ा चम्मच डाल लिया है। इसको मैं गरम कर लूँगी अच्छे से। हमारा तेल गरम हो चुका है। अभी मैं इसमें डालूँगी कुछ खड़े मसाले। अभी मैं डालूँगी लहसुन की कलियाँ, अदरक डालूँगी, प्याज डालूँगी, हरी मिर्च। हम इसको पका लेंगे अच्छे से। अभी मैं इसमें टमाटर ऐड कर लूंगी। देखिए सारे मसाले पक चुके हैं। अभी मैं इनको प्लेट में निकाल लूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। उसके बाद मैं इसकी एक प्यूरी तैयार कर लूंगी। दोस्तों हमारी प्यूरी बनकर रेडी हो चुकी है। अभी कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, इसे गरम कर लेंगे। ये शिमला मिर्च और ये प्याज, इनको मैं थोड़ा ही करूंगी फ्राई। इनको मैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूंगी। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं। मैं इनको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अभी मैं कढ़ाई में एक घी डालूंगी एक चम्मच। आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी मैं इसमें प्यूरी ऐड कर दूंगी, प्याज अदरक लहसुन की जो हमने बनाई थी। पानी ऐड कर लिया। अभी मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी। अभी हम इसे मिक्स कर लेंगे, दो तीन मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों हमारी प्यूरी पक रही है। अभी मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटो केचप। अभी मैं इसमें डाल दूंगी मलाई। अभी मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च और प्याज जो मैंने फ्राई कर ली है पहले से ही। एक दो मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और अभी मैं डाल दूंगी इसमें पनीर के पीसेस। दोस्तों इसको दो तीन मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे।
देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई पनीर बनकर रेडी हो चुका है। इसका कलर देखिए कितना अच्छा है। अभी मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसे मैं बाउल में डालूंगी। देखिए दोस्तों, हमारा कढ़ाई पनीर बनकर रेडी हो चुका है। इसको मैंने गार्निश कर लिया है पुदीने के पत्ते के साथ। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये जितना अच्छा देखने में लग रहा है, उतना अच्छा ये खाने में है। आप इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें और आप खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय।